आपके ऊपर जानलेवा हमले किसने किए, क्यों किए? देखिए, जानलेवा हमले मतलब वो माफिया लोग ही कराया था। तो शुरुआत में तो 5-6 आदमी से, 5-6 लेडीज से शुरुआत किए। उसके बाद में गांव का सभी महिलाओं ने जो आई वो भी मतलब साथ दिया, जो नहीं आई वो भी साथ दिया, जो नहीं काटे वो भी साथ दिया। तो 2004 का बाद में ना मैं गांव से बाहर निकले मतलब मेरा जैसे मेरा गांव हो गया, फिर दूसरा गांव, तीसरा गांव, पंचायत में, ब्लॉक में, तीसरा ब्लॉक में करके मैंने हम घूम रही थी इसी तरह जैसे गांव का लोगों को जागृत करने के लिए। तो मेरा घर में उस टाइम डकैती करा दिया। जैसे हम बाहर निकलने लगे तो माफिया लोगों का मतलब जलन हो गया, जो तो सब गाँव में जागृत कर रही है, तो वो लोग को गुस्सा आ गया। गुस्सा आने के बाद मेरा घर में डकैती करा दिया। 1:30 बजे रात को मतलब डकैती लोग घुस गया और वो लोग धमकी देने लगा। वो लोग बोला आप अगर ये सब काम कीजिएगा तो आपको हम लोग जान से मार देंगे। तो हम बोला भाई क्या काम कर रहे हैं, हम तो ऐसे कुछ गलत तो काम नहीं कर रहे हैं। तो बोला नहीं, आप ये जो गाँव गाँव में जाके जागृत कर रही महिला लोगों को, लकड़ी मत काटिए, उमुक मत कीजिए, पत्थर मत ले कीजिए, कुछ भी छूने नहीं देती हो आप लोग जंगल का, तो इसलिए ये सब काम आपको छोड़ना होगा, तब जाके आपको मतलब रह सकिएगा, नहीं तो आपका जान जाएगा। तो हम कुछ देर के लिए हम डर गया। डरने के बाद में हम बोले नहीं ठीक है, हम नहीं करेंगे। उसका बाद वो लोग धमकी उमकी दे के मेरा हस्बैंड को पीछे में बांध दिया था। पूरा सामान उमान जितना भी घर का सामान था सब वो लोग सामान सब लेके चला गया। उसका बाद में फिर दूसरा दिन में मैं थाना में जाके लिख के दे दिए, शिकायत कर दिए। उसका बाद 2009 में मेरा जो रेलवे स्टेशन है ना, कोपड़ा स्टेशन में, तो वहाँ से बहुत सारा लकड़ी जाता है, पूरा मतलब ट्रेन में भार भार के लकड़ी जाता है। तो स्टेशन मास्टर को जाके मैंने बोले सर आपका स्टेशन से बहुत सारा लकड़ी जा रहा है, इसको रोकने के लिए मुझे साथ दीजिएगा। तो हम एक ठो एप्लीकेशन लिख के उनको हम दिए, तो उन्होंने कहा ठीक है हम साथ देंगे। साथ देने के बाद में कुछ दिन वो लोग ले कर नहीं गए, उसके बाद बंद कर दिया कुछ दिन। उसके बाद फिर दोबारा शुरू किया, तो फिर हमको पता चला जो दोबारा फिर ले कर जा रहा है, तो हम वहाँ पर गए। जाने के बाद में वो लोग को पहले से वो लोग टारगेट करके रखा था, जो अंधेरा से पूरा पत्थर मार दिया था, पूरा पत्थर में मेरा सिर में 2-3 पत्थर लगा, रेलवे का पत्थर आप देख रही हो ना, पूरा मतलब धार धार है, 2-3 पत्थर मेरा सिर में लगा। उसका मुझे बचाने के लिए मेरा हस्बैंड पीछे में आया, तो उनको सारा चोट माथा में, कान का पीछे में पड़ा, पूरे खून से लथपथ हो गया कपड़ा उपड़ा, उसका बाद बेहोश हो गया वहाँ पर, गिर गया। और मेरा साथ में कुछ लेडीज़ लोग, ये लोग जो थी ना, कुछ कुछ लेडीज़ लोग मेरा साथ में थी, तो वो लोग को भी चटाई, किसी को हाथ में, किसी को पाँव में मतलब चटाई थी। उस दिन ना हम ना किसी से कुछ बोले, ना किसी केस किए, ना कुछ के कुछ भी नहीं किए। हम बोले गाँव घर का आदमी है, चलिए अगर हम केस उस कर देंगे तो फिर खराब होगा, तो इसलिए हम केस उस नहीं किए। तो जाके हमने बताया ऐसे ऐसे हो गया, अमुक हो गया, तो सुख हो गया। रिपोर्ट वालों को भी शर्म से नहीं बताया जो हम कुमारा बोल के, नहीं तो हंसेगा ना आदमी सब, देखो ये लोग काम कर रहा है, लोग मार भी खा रहा है बोल के हंसेगा। तो इसीलिए वो लोग को भी हम नहीं बोले जो हम लोग को मारा बोल के, तो पता चला बाद में वो लोग को। बावजूद भी हम डरे नहीं और पीछे भी नहीं हटे, फिर हमने शुरू किए काम करना। जंगल को हम लोग आते हैं, जंगल को सुरक्षा करने का ही काम करते हैं, है ना। और ये जंगल से ही सब कुछ, जितना भी लेडीज़ लोग हैं ना, वो लोग जंगल का पता लेके जाती है, वो लोग बनाती है, थाला वाला बना के बेचती है। और दूसरा तीसरा जो जितना भी समिति हमने बनाए हैं, जैसे मेरा गांव का जो वन सुरक्षा समिति है, तो वैसे दूसरा गाँव में भी वन सुरक्षा समिति मैंने बनाए हैं। वन सुरक्षा समिति हाँ, पूरा पूर्वी सिंहभूम में कम से कम 300 से अधिक समिति मैंने जाके ग्रामीण के साथ में बैठक करके संगठन बना के एक वन सुरक्षा समिति का रूप में मैंने गठन किए हैं और बनाए हूँ। कितनी औरतें जुड़ी हैं? मतलब एक ठो समिति में कम से कम 15-20 लेडीज है और पुरुष है कम से कम 9-10 पुरुष भी रहता है, क्योंकि लेडीज अकेले में हम लोग नहीं सकेंगे, क्योंकि क्या बताएंगे, बहुत हिंसा भी तो है ना। कोई भी अगर अच्छा काम करता है ना, उनका पीछे में बहुत आदमी रहता है, उनका पीछे उनको टानने के लिए, गिराने के लिए।
आप लोग ये जो धनुष बाण लेके चलते हो, इससे क्या करते हो आप लोग? देखिए धनुष और हथियार जो हम लोग साथ में लेके चलते हैं, वो अपना सुरक्षा करने के लिए हम लोग चलते हैं। कहीं किसी का साथ में लड़ाई ना हो जाए, कहीं किसी का में झगड़ा ना, कहीं कुछ हो जाए, तो अपना सुरक्षा के लिए हम लोग लेके चलते हैं। जंगल के अंदर में बहुत कुछ मिलता है, इसीलिए। आप लोग पेड़ों की रक्षा करते हैं, हाँ। लेकिन पेड़ को आप राखी बांधती हैं, ऐसा क्यों? हाँ, हर साल रक्षाबंधन का दिन में हम लोग राखी बांधते हैं। भाई को जैसे हम लोग राखी बांधते हैं, और उस दिन हम लोग कसम खाते हैं सब महिलाओं, जो भाई जितना दिन हम लोग का शरीर में सांस चलते रहेगी, उतना दिन हम लोग पेड़ को बचाएंगे, भाई को हम लोग बचा के रखेंगे। जैसे हम लोग को भाई हम लोग को बचाते हैं, उसी टाइप में हम लोग भाई को बचाएंगे। और विश्व पर्यावरण दिवस में हम लोग पौधा लगाते हैं और पेड़ में आरती उतारते हैं, सब महिलाओं मिल के। अगर मैं पूछूं 98 से अगर आपने काम नहीं शुरू किया होता, आज ये जंगल किस हालत में होता? देखिए, अगर ये तो हम गौरव का साथ में बोलेंगे, जितना दिन से मैंने मतलब जंगल सुरक्षा करने का शुरू किए हैं, उतना दिन से मेरा अकेला जंगल नहीं, पर पूरा पूर्वी सिंहभूम का जंगल का साथ साथ में दूसरा लोगों ने भी देख देख के सीख रहा है। ये जो पेड़ सब था ना, ये पौधा था, अभी कितना बड़ा बड़ा हो गया है, 15-16-17 साल में बहुत बड़ा हो गया पेड़। नीचे में जितना भी मतलब वो एकासिया पेड़ है, उस सब हम लोग लगाए हैं। ये जो साल पेड़ जो है ना, ये बहुत ठंडी हवा, आप धूप का सीजन में अगर उस एरिया में गुजरेगी ना, तो आपको पता चलेगा जो इस हवा का कितना गुण है। ये जो साल का जो आपको अगर अभी हम लोग जंगल जब आते हैं ना, तो जंगल में पानी उनी नहीं मिलता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, साल का जो पत्ता का जो ये सब होता है ना, इसको अगर खाइएगा ना, आपका पानी मतलब नहीं लगेगा, पानी प्यास नहीं लगेगी। हाँ, इसी से पानी निकलेगा, इसी को आप खा के मतलब कुछ नुकसान तो नहीं? नहीं, ये नुकसान चीज नहीं है। इसमें धुना निकलता है साल का पेड़ से, धुना जो हम लोग जलाते हैं, जो धूप नहीं देते, धुना वो निकलता है साल का पेड़ से। कौन कौन से पेड़ लगे हैं आपके इस जंगल में? देखिए, मेरा जंगल में ज़्यादातर साल है, और चार है, छोटा छोटा जो फल होता है, चार है, उसका बाद आपका जाम भी है, और कहीं बीच बीच में आम का पेड़ है, उसका बाद कुसुम है। इतने साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि क्यों करना है ये सब, मैं किसके लिए लड़ रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ, अपना आराम से घर में खाना खाओ, अपना काम करो? वो सब मतलब नहीं सोचती हूँ, इससे क्या पता भगवान जाने, वैसे नहीं सोचती हूँ जो क्यों कर रही हूँ, क्या जरूरत है, वैसे नहीं सोचते हैं। बस मुझे करने में बहुत इच्छा है, मतलब ये जो राज्य से मेरा जंगल को सुरक्षा करने के लिए लेडी लोगों को हम घर से निकाले, उस तरह दूसरा जंगल में सुरक्षा करने के लिए उस गाँव से भी लेडी लोगों को हम निकालते हैं, तो लोग भी खुश रहते हैं और हम भी खुश रहते हैं, दूसरा का खुशी में है मेरा खुशी।